फिल्म 83 से सामने आया दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक। कपिल देव की पत्नी का किरदार निभाती नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है 83 द फिल्म, और इस फिल्म के जरिए एक एक करके सारे खिलाड़ियों का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। लेकिन हाल ही में पहली बार दीपिका पादुकोण का इस फिल्म को लेकर फर्स्ट लुक सामने आया है, जहां दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कपिल देव की पत्नी रूमी देव का किरदार निभा रही हैं। इस तस्वीर में ना सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि कपिल देव के लुक में रणवीर सिंह भी अच्छे लग रहे हैं। अपनी इस फिल्म को लेकर रणवीर सिंह काफी सीरियस हैं और काफी टाइम से बिजी भी चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ लगातार इस फिल्म के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कपिल देव का लुक बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और कपिल देव के साथ काफी वक्त भी गुजारा है। दीपिका पादुकोण के इस फर्स्ट लुक में दीपिका ब्लैक रंग के हाई नेक के साथ बेज कलर की स्कर्ट पहने हुए नजर आ रही है। इस तस्वीर में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों को ही पहचान पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का रोल थोड़ा ही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण अपने इस छोटे से रोल से ही सबका दिल जीत लेगी। बात की जाए फिल्म 83 की तो ये अब तक की सबसे बड़ी खेल फिल्में से एक है। इस फिल्म को लेकर काफी लुक्स भी आ चुके हैं जिसने इस फिल्म को लेकर लोगों का और भी उत्साह बढ़ा दिया है और हर कोई एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। इसके साथ ही कपिल देव भी खुद इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिल्म 83 में दीपिका पादुकोण का रोल छोटा है, तो इसी बात पर दीपिका पादुकोण ने ट्वीट करते हुए लिखा है, टू प्ले अ स्मॉल पार्ट इन अ फिल्म दैट कैप्चर्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स इन स्पोर्टिंग हिस्ट्री has been an absolute honor. 83 for me is an ode to every woman who puts her husband's dream before her own. इस फिल्म के लिए लोग काफी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म क्रिकेट पर बेस्ड है और इसके साथ ही साथ 1983 के वर्ल्ड कप पर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और अगर इस किरदार को रणवीर सिंह निभा रहे हैं तो हमें कोई भी दोराय नहीं है ये कहने में कि रणवीर सिंह किसी भी किरदार को अच्छे से निभाते हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिल्म 83 के लिए आप कितना एक्साइटेड है। और इसके साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड टशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।